अमृत मिशन के अंतर्गत हरियाणा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हरियाणा की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। साथ ही चोले प्रोग्राम के तहत फरीदाबाद शहर द्वारा छात्रों को इंटर्नशिप पर रखकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए भी हरियाणा सरकार की सराहना की गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा की उपलब्धि पर मंत्रालय ने राज्य सरकार की सराहना की है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं नामांतर पीएम स्वनिधि, अमृत, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 सितंबर 2020 तक सभी स्मार्ट सिटी अपनी दूसरी किस्त मंत्रालय से मांग ले। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत हिसार, करनाल, अम्बाला 30 सितंबर 2020 तक रेहड़ी फड़ी वालों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,03,024 रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान की गई है और इन सबको वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हरियाणा द्वारा की जा रही प्रगति पर मुख्य सचिव ने अवगत कराया है कि 63,411 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए और दिसंबर 2020 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सभी आवास बनवाना व उनकी किश्त जारी करने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि अमृत मिशन के तहत मार्च 2021 तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार स्मार्ट सिटी में साइकिल चैलेंज को भी अमल में लाया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।